ईडी तो है एक माध्यम, निशाना राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। पार्टी के नेताओं ने यह जानकारी दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है कि नोटिस नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आया है, जिसके बाद 8 जून को सोनिया गांधी या और राहुल गांधी पूछताछ के लिए अधिकारियों के सामने पेश हो सकते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि मजबूती से करेंगे सामना। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 2015 में ईडी ने यह केस बंद कर दिया था। सत्तारूढ़ पार्टी को पसंद नहीं आया तो ईडी के अधिकारियों को हटाया, नए लोगों को बिठाया और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया गया, लेकिन हम पुरजोर तरीके से इसका सामना करेंगे। सोनिया 8 जून को पूछताछ के लिए जाएंगी। अगर राहुल जी फ्री रहे तो वो भी जा सकते हैं, नहीं तो समय मांगा जा सकता है। कानूनी तौर पर हर जवाब दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने भी वो भी मौजूद थे और उन्होंने कहा, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना तान कर लड़ेंगे। कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने के लिए नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला। अंग्रेजों को इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अखबार पर बैन लगा दिया। आज फिर से अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। इस कॉन्स्पिरेसी के मुखिया खुद पीएम और उनका पालतू एडी है, ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए लोगों को भटकाने वाली मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। मामला यह है तो क्या अब इस देश में कोई नहीं बचेगा, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी नहीं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संपादक जेपी सिंह साहब मौजूद हैं। क्या है ये मायने इस नोटिस के और बीजेपी सरकार क्या इशारा करना चाहती है? अगले आधे घंटे तक जेपी सिंह साहब को सुनूंगा और आप भी पूरा वीडियो सुनते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी। क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, क्या है और इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, मायने क्या हैं, मोदी सरकार क्या इशारा करना चाह रही है? देखिए सर, अब ये सब मामला बहुत ही गूढ़ है और गूढ़ ये है कि इसमें बहुत सी बातें पीछे की भी हैं जो आप जब तक इनको जोड़ेंगे नहीं तब तक आप बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में इसको समझ नहीं पाएंगे जी। एक राजनीति के किरदार है सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी, चंद्रा स्वामी, चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री और पीवी नरसिम्हा राव, और उसके साथ अमृत बाजार पत्रिका के तत्कालीन एमपी तलोकांति घोष, इनकी एक कोटरी थी और ये सब लोग चंद्रा स्वामी के यहां जब सरकार जो है वीपी सिंह की बनी थी, उसके बाद फिर चंद्रशेखर की बनी, तो वहां जो है चंद्रा स्वामी के यहां ये लोग जुटते थे और वहां ताश का खेल होता था। ये लोग ताश खेलते थे, समय बिताते थे और राजनीतिक चर्चा करते। ये उस जमाने की बात है जब अभी चंद्रशेखर प्रधानमंत्री नहीं थे, बीपी सिंह थे, बाद में फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हो गए। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री हो गए तो उनसे जो है राजीव गांधी ने समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद चुनाव घोषित हुआ। चंद्रशेखर ने राजीव गांधी का जो सुरक्षा तंत्र था सिक्योरिटी घटा दी, जिसके बाद पेरम्बदूर की घटना हुई, उसमें चंद्रा स्वामी को जो पुलिस उसने जांच एजेंसियों ने पकड़ा भी था, उनके ऊपर काफी दिन तक मुकदमा चला। लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो सरकारें बदलने के बाद उनकी निष्ठाएं बदल जाती हैं, तो जांच एजेंसियां बाद में वो ढीला, मतलब उनको
नरसिम्हा राव के कार्यकाल में क्लीन चिट नहीं मिली, क्लीन चिट उसके बाद के बाद में जब वो आपके यूपीएसई आई, आपके गुजरात सरकार आई, देवगौड़ा सरकार आई, उसके बाद आपके अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन 13 महीना उसके बाद सरकार आई, उस दौरान फिर बाद में उनको मिल गया क्लीन चिट और मर भी गया, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का नाम नहीं आया। आज की डेट में आप पंजाब में जो हत्या हुई है उसमें भगवंत मान से पंजाब हाई कोर्ट ने पूछा है कि आपने क्यों इनकी सुरक्षा घटाई, मूसेवाला की जो गाना गाने वाले कांग्रेस के नेता हैं, सिंगर हैं, जिनकी हत्या हुई, तो लेकिन ये चंद्रशेखर से किसी ने नहीं पूछा कि आपने सुरक्षा का इनका तंत्र क्यों जो है मतलब कमजोर किया, क्यों इनकी सुरक्षा घटाई, जबकि उस परिवार के आपके राजीव गांधी के पहले जो है इंदिरा गांधी की जो है वो शहादत हो चुकी। तो सवाल इस बात का है कि इसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी एक संदिग्ध किरदार हैं, और फिर वो तमिलियन है, तमिलियनों का जो है वहां के जो आपके श्रीलंका के तमिलियन हैं उनके प्रति जो है मन में साफ कॉर्नर है, वो लोग कहीं ना कहीं प्रभाकरण के जो है क्या कहते हैं सिंपेथाइजर हैं, इवन की कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली डीएमके हो, मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल होने वाले डीएमके हो या जयललिता की एडीएमके हो, तमिल मामले में सभी जो है वो तमिल लिट्टे और प्रभाकरण और जो है तमिलों के जो है जो श्रीलंका में उनके समर्थक हैं, और उसमें तमाम जो है वो सब उठे थे कि ये जो है वो क्या कहते हैं उसमें आपका जो है डीएमके भी शामिल है तो एडीएमके भी शामिल है, तो अब राजनीतिक मजबूरियां हैं, आप उस बिना जो है क्या कहते हैं गठबंधन की सरकार चलेगी नहीं तो आपको जो है गठबंधन में लेने की मजबूरियां हैं, लेकिन ये सब बातें जो राजीव गांधी की हत्या के 31 साल से चल रहा है, पहले तो एक जैन साहब की जैन कमीशन बना और उसने कहा कि साजिश के जांच के लिए बहुआयामी जांच एजेंसियां मैंने कई एजेंसियां मिलकर जांच करें तब हकीकत पता चलेगी। अभी 2020 में जब पिरारी विलन जिसको अभी जो है जमानत पिरारी विलन या पिरारी वालन जो भी है जिसको अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है, इसका मामला जब से शुरू हुआ तो इसने एक रिलीफ ये भी मांगी थी कि जब तक बहुआयामी जांच एजेंसी जांच कर रही है तब तक हमारी सजा स्थगित कर दी जाए, लेकिन कोर्ट ने जो उसके जो है वो क्या कहते हैं मर्सी अपील पर राज्य और केंद्र के जो है उसको लेते हुए कि ये उनके ऊपर डाल रहे थे वो इनके ऊपर डाल रहे थे उसके आधार पर 142 में उसको दे दिया एमडीएमए पर, अभी कुछ नहीं कहा जो जजमेंट आया। लेकिन 2 साल पहले इसी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आखिर इस पे आप स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कीजिए, तो उन्होंने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया सेम टू सेम दाखिल किया जो उसके पहले वाली स्टेटस रिपोर्ट थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नाराजगी भी व्यक्त की कि भाई आप क्यों नहीं इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं आप फाइनल वर्डिक्ट लेके आते। अब उसका अगर फाइनल वर्डिक्ट जब भी आएगा तो हो सकता है कि कुछ कांग्रेस में जो लोग हों उनके चेहरे पर जो है क्या कहते हैं सवाल उठे, कुछ जो है आपका डीएमके के चेहरे पर सवाल उठे और लोगों पर सवाल उठे, तमिलनाडु की और पार्टियों पर सवाल उठे, आपके सुब्रमण्यम स्वामी पर भी सवाल उठे, हो सकता है भाजपा में भी कुछ लोगों जिन पर सवाल उठे। नतीजा है कि जो सुभाष चंद्र बोस की पत्रावली जो अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत सार्वजनिक नहीं की जा रही थी अंतरराष्ट्रीय कारणों से, उसको जो है मोदी जी ने इस तरह सार्वजनिक किया जैसे लगा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही जवाहरलाल नेहरू को मरणोपरांत फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन जब वो सारे कागज निकले तो पता चला कि जो आशा थी उसके विपरीत निकल गए, पता चला कि नेहरू जी जो है वो क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस के जो जर्मनी में परिवार है उसको जो है आजादी के बाद भी आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दिलवाते रहे, तो उसी तरह का मामला है। तो सवाल इस बात का कि आगे 31 साल से अच्छा जैन समिति की भी जो रिपोर्ट थी वो भी सार्वजनिक नहीं हुई, आखिर एमडीएमए की रिपोर्ट उन्होंने कहा कि साहब हमने अनुरोध पत्र 3-4 देशों में भेजा है वहां से अनुरोध पत्र आएगा तो फाइनल हो जाएगा और हमारा जो है जांच पूरी हो चुकी, खाली उस बस जो हमने लेटर रेगुलेटरी क्या कहा जाता है जो अनुरोध पत्र वो जो है आ जाए उसका जवाब आ जाए, तो अभी 2 साल से उसका जवाब नहीं आया। उसी तरह जैसे चिदंबरम के मामले में सिंगापुर इन्होंने भेजा है एएसएल मैक्सिम के मामले में अनुरोध पत्र और उसका जवाब नहीं आया, तो सवाल इस बात का है कि मामला वहां से शुरू है। अब अगर मान लीजिए कि अभी अभी पिरारी वालन का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसमें एमडीएमए वगैरह की बात उठी है, उसमें मान लीजिए कि कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन डाले कि एमडीएमए की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए
राजीव गांधी की हत्या में जो है आखिर कौन सी गोपनीयता जिसको छिपाया जा रहा है, और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि सार्वजनिक करिए और फिर जो नाम आएंगे तो उसको कितने लोगों के लिए असुविधाजनक होंगे। तो इसके पहले कि हम फंसे, पहले से ही ऐसी सब व्यूह रचना करो कि दूसरा ही अपने छड़ाने फुकाने में लगा रहे, हमारे हमारी तरफ कोई देखे ही ना। ये मामला मेरे निगाह में यहां से शुरू होता है। अब आप ये सोचिए कि 12-13 में आपके क्या कहते हैं, इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली कि साहब ये जो है वो ये नेशनल हेराल्ड में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए। 12-13 के बाद 14 में सरकार आ गई मोदी जी की, मोदी जी ने ईडी से इसकी जांच शुरू करा दी उनकी शिकायत पर, प्राइवेट आदमी की। अब शिकायत है तो उसमें जो है वो उन्होंने शिकायत शुरू की तो पहले उन्होंने FIR दर्ज किया सुब्रमण्यम स्वामी वाला, और उसके बाद जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोर्ट में जो है हाजिरी लगा दी, कोर्ट में लगा दी, और वहां जो है उनको 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत से ही जमानत मिल गई। अब उसके बाद ये लोग जो है वो कांग्रेस वाले जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब हमारे केस में सब क्रिस्टल क्लियर, सब साफ है, हमको जो है हमारे खिलाफ जो ये मुकदमा कायम हुआ इसको निरस्त किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब मुकदमा कायम हुआ है और जांच हो रही है तो आपका तो जमानत भी मिल गई, और जो है आप लोगों को जो है जो 5 आदमी है, सोनिया, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे, जिसमें से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस तो दिवंगत हो गए हैं, सुमन दुबे के बारे में मुझे नहीं मालूम कि है कि नहीं, इनको जो है व्यक्तिगत उपस्थिति से भी छूट दे दी। तो बजाय जांच करने के 2015 से ये मामला ठंडे बस्ते में दबा रहा। अब इधर तात्कालिक क्या हुआ कि जो आपके राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि आप पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बी टीम है, ए टीम उसकी जो है वो बीजेपी है राजनीति की, और बी टीम है केजरीवाल की आप। क्यों? क्योंकि अन्ना का जो आंदोलन था उसको टोटली पर्दे के पीछे से सक्रियता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को भेज के और हर तरह की सहायता दे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिंदा किया था और चलाया था, जिसके जो है ऑफ स्प्रिंग जो है अरविंद केजरीवाल हैं, और उसके दूसरे ऑफ स्प्रिंग जो है भगवंत मान वहां निकले हैं। कहने के लिए चाहे जितना लोक लुभावन हो लेकिन राजनीति के गलियारे में अभी ये इस दाग से मुक्त नहीं हुए हैं कि ये आरएसएस की बी टीम, ए टीम जो है मोदी है, बी टीम ये। अब बी टीम के एक मंत्री को सौतिया दाह में जो है अरेस्ट कर लिया गया है इसी मतलब ईडी से, क्योंकि उनको हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया था सत्येंद्र जैन को, जो इनके मंत्री हैं उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो जो राजनीतिक गलियारों में कानों कान काना फूसी है ये चर्चा है कि साहब जो है आका के पास लोगों ने जो है रोना रोया कि साहब हम ही मतलब लोग फंस रहे हैं तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो हुआ कि जो है इसके पैरेलल जो है किसी और को भी फंसाओ ताकि मामला जो है लगे कि नहीं ये ईडी सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, ये कहीं जो है मतलब ऐसा नहीं कि चीन चीन के कार्रवाई करती। इनको नोटिस चली गई। सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंघवी ने क्रिस्टल क्लियर हेराल्ड के मामले को उन्होंने जो है किया कि भाई पैसे के अभाव में बंद हो गई थी, इस बीच में तमाम वेज बोर्ड आ गए थे उनके भी पैसे थे, तो इसको कांग्रेस पार्टी ने जो है वो क्या कहते हैं उधार दिया, और उसके एवज में जो एक नया यंग इंडियन बना उसमें हुआ कि साहब इनमें इसमें इनका शेयर ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि अखबार को सर्वाइव करने की स्थिति में पैसा नहीं है कि जिसे सर्वाइव किया जाए, तो यंग इंडिया में ट्रांसफर हो गया। उसमें ठीक है सोनिया गांधी हैं, आपके मोतीलाल वोरा हैं, राहुल गांधी हैं, ऑस्कर फर्नांडिस थे, सुमन दुबे थे, ये लोग उसके ट्रस्टी हैं, लेकिन वो न एक पैसे का शेयर बेच सकते हैं न जो है एक पैसे का खरीद सकते हैं। अब वो सब एक प्रकार से कागज में है, टोटल 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ। अब इसके बाद भी ईडी ने उनको सम्मन जारी कर दिया है, और सम्मन जो जारी किया है तो 8 तारीख तो हल्ला हो गया कि 8 तारीख को है, दरअसल 8 तारीख को सोनिया गांधी को उन्होंने सम्मन किया है, और 2 तारीख को ही माने आज के ही दिन राहुल गांधी को सम्मन किया। तो राहुल गांधी ने लिख के भेजा कि मैं चाहे सोनिया ने लिखी भाई हम हाजिर होने के लिए तैयार हैं लेकिन मैं अभी इस समय जो है देश से बाहर हूं, मैं आऊंगा तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब वो अगर 8 के पहले आया जाए तो हो सकता है आपको हाजिर हो, या 8 के बाद आए तो 8 के बाद हाजिर होंगे, 8 को पहले सोनिया हाजिर होंगी। तो ये मामला है सर जी।
इसका ये बेसिकली सर, ये सरकार जो है क्या इशारा करना चाह रही है? देखिए सरकार ये इशारा बहाना है, लार्जली जो है इशारा कहीं और है। देखिए इसमें सवाल इस बात का है कि एक तो जो हमने राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी बताई कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, दूसरी बात यह है कि सरकार की मोडस ऑपरेंडी है कि हमेशा जो विपक्ष के लोगों को संदिग्ध रखो, डाउटफुल रखो, लोगों के दिमाग में रहे कि जो है ये सब बड़े बेईमान है, बहुत ये है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने तो अपने लोगों को जो है ईमानदारी का सर्टिफिकेट ही दे रखा है। अब जैसे उन्होंने हिमाचल में कहा कि हम अभाव की जगह अब भाव की जो है वो करना चाहते हैं। अरे भैया 8 साल तो आपने बिता दिया अभाव में, तो आप देश की जनता को भाव कब दिलाएंगे? अब उसके लिए कितना साल चाहिए आपको ये भी बता दिया कि 15 साल और हमको दो तो भाव दिलाएंगे। आप तो जो है वो क्या कहते हैं 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर रखे रहे थे, अब नहीं दुगनी हुई तो आप कह देंगे किसानों ने जो है हमारा कानून नहीं माना इसलिए दुगनी नहीं हुई। चारों तरफ तो सब मोर्चे पर तो आप फेल हैं, तो आप कोई एक मोर्चा तो बताइए जहां बहुत सक्सेसफुल है सिवाय इसके कि अदानी और अंबानी की संपत्ति बेतहाशा बढ़ रही है, इसके अलावा बताइए कि कहां आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 24 का चुनाव है और बीजेपी में भी भीतर भीतर जूता लाग शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी लाभी बीजेपी से बहुत खिलाफ है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में कितने अनसेरिमोनियस ढंग से आपके हटाया गया क्या कहते हैं इमरान खान, और ये है कि इनके ऊपर आप समझिए कि पूरा जो है आपका अप्रैल के महीने में वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, 2x2 मीटिंग पर सीधे विदेश मंत्री और जो है क्या कहते हैं रक्षा मंत्री की, वहां के विदेश मंत्री रक्षा मंत्री से, फिर अभी आपके ये गए थे वहां आपके जापान, वहां इन्होंने बायलेटरल टॉक किया और आपने देखा एक फोटो हुई कि इनकी कितनी उपेक्षा की जो है क्या कहते हैं बाइडेन ने। तो सवाल इस बात का है कि सारी चीजें चल रही हैं जो जिसमें राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि इनकी पोजीशन बहुत ही संवेदनशील हो गई है, ये भी अपने बने रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आरएसएस भी दक्षिणपंथी संगठन है और दक्षिणपंथी संगठन है तो उसको अपने सत्ता में रहने का मोह है, उसको कोई मोदी से व्यक्तिगत मोह नहीं है ऐसा मेरा मानना है। तो अगर जो है उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा तो हो सकता है, या फिर वहां की एक संस्था ने जो है जो संसद से जुड़ी हुई संस्था ने, हालांकि उसकी रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा कि इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनपे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब अगर ये प्रतिबंध लगता है तो उसमें मोहन भागवत और भी प्रतिबंध लग सकता है। इस पृष्ठभूमि में इनकी पोजिशन बहुत ही संवेदनशील हो गई है अपने मोदी जी की। आरएसएस इनको चलाएगा नहीं चलाएगा ये सारी चीजें जो है समझ लीजिए कि संदेह के घेरे में आ गई। लेकिन है ना तुलसीदास लिख गए हैं 500 साल पहले मरतो मरत कटक संघारा, तो मरतो मरत कटक संघारा में है कि भाई वो जो है आपके अपने मोर्चे पर भी लड़ रहे हैं भाजपा के और आप जो है और जो है वो क्या कहते हैं विपक्षियों से भी लड़ रहे हैं कि भाई क्या पता जो है मतलब इसी लड़ाई में हम जो है वो क्या कहते हैं जीत के निकल जाए। आप अच्छा बताइए मोदी और शाह जरा सी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते, आखिर किस मजबूरी के तहत गुजरात में हार्दिक पटेल को इन्होंने अपने में शामिल किया है, उस हार्दिक पटेल को जिस पर इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा लगवा के सजा करा दी और उसके बाद उसके केस को वापस कराया है और वापस कराने के बाद उसको लिया है जबकि इनकी वो इतनी गाली देता था मोदी और शाह को व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसको लेने की क्या मजबूरी पड़ गई? उसको लेने की मजबूरी यही है ना कि कहीं ना कहीं जमीन सड़क रही। तो ये सब चीजों को आप समग्रता से जब एक दूसरे से ईडी के संबंध को जोड़ के देखेंगे तब सर सारी पिक्चर क्लियर होगी। और इसमें आप सुब्रमण्यम स्वामी को भी माइनस नहीं कर सकते, एमडीएमए की संभावित रिपोर्ट को भी माइनस नहीं कर सकते, और वो जो चंद्रा स्वामी क्या कोटरी बैठती थी उस कोटरी में जो संदिग्ध करेक्टर थे जिसमें कि चंद्रशेखर जी ने उनकी जो है वापस ले ली थी सुरक्षा में कमी कर दी थी, आप उनके योगदान को भी इसमें आप माइनस नहीं कर सकते। तो इस समग्रता के साथ इसको देखिए और सत्येंद्र जैन के एंगल को भी देखिए, वही क्यों ये क्यों नहीं। जी चलिए सर, अच्छा है। और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जी, और इसके थ्रू पार्टी के अंदर भी कुछ संदेश देने की कोशिश की गई हो जी, चलिए देखना है जब जिस दिन पेश होंगे 8 तारीख को इस मुद्दे पर, फिर जेपी सिंह साहब से हम बात करेंगे, आपको सुनवाएंगे क्या हुआ मसला। पूरा वीडियो सुनते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब।
करते रहिए। शुक्रिया की वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, नमस्कार। नमस्कार।